हमीरपुर जनपद के राठ कोतवाली क्षेत्र में चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है। घर में घुसे चोरों ने लाखों के जेवरात व नकदी पार कर दिए। बीते रात राठ कोतवाली क्षेत्र के स्यावरी गांव निवासी संजय कुमार के घर में दीवार फांद कर अज्ञात चोरों ने करीब 4 लाख रुपए के जेवरात व 60,000 रुपए नगद चुरा लिए। जिस समय चोर वारदात को अंजाम दे रहे थे, घर के सभी लोग गहरी नींद में सोए हुए थे। सुबह छत पर घर का बिखरा सामान देख संजय कुमार व उनके परिजनों में हड़कंप मच गया। कोतवाली में अज्ञात चोरों के खिलाफ लिखित शिकायत की है। थानाध्यक्ष मनोज शुक्ला ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। तो यहां पर चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है। ताजा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे संवाददाता सीतू सेंगर हमीरपुर से जुड़ रहे हैं। सीतू, यहां पर चोरों ने नकदी समेत जेवरात पार किए हैं, किस समय का सीतू मामला बताया जा रहा है? धर्मेंद्र, मैं आपको बता दूं, ये सारी घटना हमीरपुर जिले के राठ थाने के स्यावरी गांव की है, जहां पे चोरों ने लगभग रात्रि 1 या 3 के बीच में ये माल साफ किया है। सीतू, ये बड़ी चोरी बताई जा रही है, इसमें चोरों ने क्या क्या माल साफ किया है? इसमें बताया जा रहा है कि 5 जोड़ी पायल है, 2 सोने की अंगूठी है, 1 मंगलसूत्र, 60,000 रुपए नगद थे, जो कि जो संजय नाम का प्रार्थी है जिसने थाने में तहरीर दी है, उसने बताया वो अपनी पत्नी को लेके झांसी गया था, जिसकी डिलीवरी होनी थी। डिलीवरी के समय उसको बच्ची पैदा हुई थी, जो कि वो खत्म हो गई थी, तो वो रात को लेके घर आए थे। धर्मेंद्र जी, से तू परिजनों को इस घटना की जानकारी कब हुई? ये मैं आपको बता दूं, जो संजय नाम के व्यक्ति हैं, उन्होंने बताया कि सुबह 7 बजे उसकी बहन नीलम जब ऊपर गई छत पे, तो उसने सारा सामान बिखरा पड़ा देखा, तब वो चिल्लाई और वहां पे परिजन इकट्ठे होकर चोरी का पता लगा कि हमारे यहाँ चोरी हो गई है। सीतू, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमीरपुर में राठ कोतवाली क्षेत्र के स्यावरी गांव में चोरों ने चोरी की बड़ी घटना को अंजाम दिया है। हमीरपुर से UP24 न्यूज के लिए सीतू सेंगर की रिपोर्ट।